5 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, वो तहे दिल से मेरी ओर से, पूरे टीम एसपीसी की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों मैं जानता हूं सीए के इस डोमेन में 5 लाख सब्सक्राइबर को पाना, मैं जानता हूं कितनी मेहनत का काम है और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है इन लोगों की वजह से। गौरव मैं पूरे तहे दिल से फिर से एक बार इन सभी लोगों का, सारे प्रोफेशनल लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और गौरव मैं जानता हूं कि इन्होंने जितना प्यार मुझे दिया है, अब वो समय आ चुका है कि मैंने भी इन लोगों के लिए कुछ खास चीज करना चाहिए। और मैंने और गौरव ने, हमने कुछ खास आपके लिए प्लान किया जिसके बारे में आपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कुछ पढ़ा भी था। दोस्तों हम लोग चालू करने जा रहे हैं नई सीरीज जिसका आज होने जा रहा है फर्स्ट एपिसोड। जी हाँ, हमारा न्यू फिटनेस सीरीज फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स आज शुरू होने जा रहा है। दोस्तों लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस वन एंड ओनली गौरव सुपारे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार एसपीसी फैमिली। यू गाइस आर ऑल अवर 500K सर। यस यस, बड़ी बुलंदी, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। आज जो होने जा रहा है दोस्तों, आज के इस वीडियो का संबंध ना कि सिर्फ आपके पढ़ाई से है बल्कि आपके फिटनेस से है, आपके जिंदगी से। मैं अपील करना चाहूंगा यहाँ पे देखने वाले हर कोई व्यूअर का, हर कोई टीचर का, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, एमबीए, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट फैटर्निटी हो, आपको देखना जरूरी है। मैं नहीं ये तो नहीं कहना चाहता कि आप सब बॉडी बिल्डर बने। मैं ये जो फिटनेस ट्रेनिंग हम आपको दोनों मिलकर देने जा रहे हैं, आपका बॉडी बिल्डर, मैं आपको ये नहीं कहता हूं WWE जाके खेलने वाले हैं। पर गौरव ये बहुत जरूरी है कि हम सभी लोगों ने एक ऐसा ज्ञान देना चाहिए ताकि हर कोई व्यक्ति जो इस प्रोफेशनल फील्ड में आने के बाद ये भूल जाता है ना कि उसकी जिंदगी में फिटनेस कितना मैटर करता है। आज हम उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि व्हाई फिटनेस इज सो इंपॉर्टेंट। और गौरव जानते हैं जैसे कि इस कोरोना के बाद में हमें समझ में आ गया कि व्हाई फिटनेस इज सो इंपॉर्टेंट। हमने बहुत अपने करीब वालों को खोया है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अपने वाले हमारी वजह से प्रॉब्लम में आए। आप सभी लोगों से मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जरूर इस सीरीज के 8 एपिसोड को देखें। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ गौरव सिपाही। I am going to make you understand why fitness is important, how it is to be done. आखिर फिटनेस के लिए क्या कुछ चीजें जरूरी है, कौन सा वर्कआउट करना जरूरी है, कैसे करना जरूरी है, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कितनी बार खाते हैं और क्या नहीं खाते। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गौरव जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, इनका फायदा सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, इसका फायदा हमारे पढ़ाई से भी है। जितना फिट रहते हो ना, आपका ब्रेन, आपका माइंड भी उतना ज्यादा शांत और कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से एक बार करने जा रहे हैं आपका स्वागत जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत कुछ खास, सीखने जा रहे हैं कुछ खास। उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस गौरव सिपाही। प्लीज गौरव, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन तुम्हारे जुबान से सुनना चाहता हूँ। लोग सुनना चाहते हैं गौरव कौन है। आजकल जब से सोशल मीडिया पे गौरव का नाम डाला जा रहा है, लोग मुझे पूछते हैं सर गौरव कौन है जो आप। सो मुझे आई एम रियली रियली हैप्पी टू इंट्रोड्यूस हिम, आई रियली एडमायर हिम एंड लेट मी टेल यू ही वाज माय स्टूडेंट व्हेन ही वाज डूइंग सीए। और मुझे बहुत गर्व है, गौरव पे मुझे गौरव है। आई रियली रियली प्राउड अबाउट हिम कि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट होने के नाते भी जिस तरह का पर्सनालिटी इसने बनाया ना बॉस, का प्रोफाइल चेक कर यू विल अंडरस्टैंड हु इज ही एंड व्हाट ही हैज डन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वन एंड ओनली गौरव के लिए फिर से बता दें, गौरव के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखने जाएंगे, आपको बहुत कुछ समझाएंगे कि कैसे करते हैं सब कुछ। गौरव प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। प्लीज सर, थैंक यू सो मच, सो वेरी मच कि सर आपने इतनी एनर्जी मुझ में डाल दी। फर्स्टली गाइस, यू शुड अप्रिशिएट द एनर्जी दैट दिस मैन कैरीज। यू नो सर, मुझे ही नेवर लुक्स एजेड, ही ग्रोज यंगर डे बाय डे। दैट्स व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट इज एवरीवन which you know every part of this country gives Mr. Swapnil Patni, CA Swapnil Patni. आप जानते हैं सर ने इतना कुछ अचीव किया है। जब हमने, you guys, me personally, I started my career, you wanted to know about my career. My career is made because of Swapnil Patni. You know, I started from my CA foundation, which is CPT. I first saw Swapnil Patni, I took admission. I was, you know, I looked like a nerd, a small किरी गाय, एकदम पतला सा इंसान। आके देखते हैं माय गॉड, ये इंसान हमको पढ़ाएगा, इज ही एन एक्टर, इज ही अ मॉडल,
जो हमारे को यू नो लेक्चर देने वाला है या फिर ही इज गोइंग टू टीच द सीए. फिर मैंने समझा कि सर सीए भी है, ये भी है, वो भी है. नाउ आई रियलाइज कि यार यस, मुझे स्वप्निल पाटनी बनना है. यू नो नॉट बाय द माध्यम ऑफ भली आप यू नो सीए यू नो आई कुडंट अकम्प्लिश द डिग्री येट, बट मुझे बनना तो है इंसान जैसा. सो यू नो द बिजनेस स्किल्स दैट सर इज कैरिंग दैट इज व्हाट आई वर्कड ऑन. सो माय नेम इज गौरव सिपाही. I am Rubaroo Mr. India's 2019 finalist. I am an anchor also. Now I am one of the owners and directors of Revamp Fitness as well. At the same time, I have a business, Sipani Traders and Cindy Cap Venture. और साथ में मैं modeling की field में घुस गया हूँ, fitness की field में घुस गया हूँ just because of this guy. So I wanted to be like him. So, now we are. इसी बहुत शब्दों में कभी-कभी कुछ इंसान को explain करना बहुत ही मुश्किल होता है. So ladies and gentlemen, if you want to know more about this guy, please इसके profile को visit करें to make him understand what he has done. Thank you. Because he has done wonderful. और मैं बहुत आज खुश हूँ कि गौरव के माध्यम से हम सबको बहुत सारी चीजें इस माध्यम से मालूम चलेगी. और बहुत सारे students जो fit रहना चाहते हैं गौरव, बहुत सारे students बहुत fit रहना चाहते हैं पर क्या होता है मालूम है? वो जब जाते हैं वो फिर आते हैं. वो जाते कई सालों तक मैंने स्टूडेंट्स को ये करते हुए देखा कि लोग जाते आते पर ना कोई नॉलेज एक्सरसाइज करने का होता है, ना कोई नॉलेज खाने पीने का होता है, ना कोई नॉलेज डाइट का होता है. फिर वो ही गेट्स डिसअपॉइंटेड, अरे यार मेरी बॉडी ऐसे क्यों नहीं बन रही. गाइस ये कोई मजाक नहीं है. ये जिस तरह से पढ़ाई में आपका स्किल लगता है ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपका एक स्किल होना जरूरी है दोस्तों. वो सारी स्किल को जिस तरह से हम लोग बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और जो प्रोफेशनल हो, सारे लोग एक होशियारी से कोई चीज को अप्रोच करते हैं, वो अप्रोच वो टैलेंट वो सब इनमें आना चाहिए. तो गौरव क्या लगता है? सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट यू नो द बेस्ट एग्जांपल एंड द बेस्ट जर्नी इज स्वप्निल सर. तो स्वप्निल पटनी सर से ही उनकी जर्नी पूछेंगे एंड व्हाई फिटनेस मेड हिम व्हाट ही इज टुडे. ठीक है सर, रादर देन यू एक्सप्लेनिंग लेट्स कीप अ सेट अ बेंचमार्क एंड एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ यू ओनली. सर आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं करूं चलेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. ओके तो हम लोग सर की जर्नी पे फोकस करते हैं. सर फर्स्टली सीए हो गए सर, यू नो सीए हो गए हो, क्लासेस चल रही है, ऑफ कोर्स यू आर वेल्दी, क्या जरूरत है फिर व्हाई? ये बहुत अच्छा सवाल है. वैसे बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं सर, मानते हैं कि एक जमाने तक और कुछ पीरियड तक लोग फिटनेस के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, पर पिछले गौरव लेट मी टेल यू इट्स बीन 15 इयर्स it's the long story. 15 सालों से मैं वर्कआउट करता हूँ and I'm trying to maintain myself. But मैं इसका फायदा सिर्फ मुझे मेरे पर्सनलिटी में नहीं हुआ, बल्कि इसका फायदा मुझे मेरे बिजनेस में हुआ, मेरे प्रोफेशन में हुआ, मेरे फिटनेस में हुआ. और मैं इसी की वजह से I'm so fit. You know, you can always see that there is some energy. मुझे लोग कहते हैं आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहते हो? इसका वजह ये नहीं कि मैं इसका मतलब ये कि I'm trying to maintain myself. अगर आप भी ये करोगे ना, I'm sure guys, you start loving yourself. और जब तक इंसान अपने खुद से मोहब्बत नहीं करता ना, तो दुनिया आपसे मोहब्बत नहीं करती. भाई और बहनों, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, you have to love yourself. आपको अपने आप से मोहब्बत करना होगी, दुनिया आपकी दीवानी होगी. इसलिए forget about what people are talking about. आप पढ़ाई कर लो भाई, सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे, सारे लोग प्रोफेशनल बन रहे, बट एवरीबॉडी इज नॉट फेमस, राइट? एवरीबॉडी हैज नॉट इक्वल. आपको यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. आपको कुछ अलग बनना है ना, तो कुछ अलग करना जरूरी है भाई. कुछ अलग, फॉरगेट अबाउट बिकमिंग फेमस एंड ऑल. लेकिन सर यू नो आपने इतनी चीजें बताई, इतना बिजी शेड्यूल है आपका. जी जी यू नो मेनी पीपल गिव एन एक्सक्यूज, इट्स एन एक्सक्यूज, यू नो दैट, आई नो दैट. Many people tell that we don't get time because of our busy schedules and we are running behind money only. They don't know where to spend. What do you think and why do you think fitness is the best investment of your life? The 1.5 hour that you give is the best investment of your life. Or of time nikalte ho. Maybe Gaurav Vichayat se is sawal ka jawab dene ki mujhe bahut zarurat mehsoos nahi hoti kyunki COVID mein humne bahut log dekhe jinke bahut paisa hai. Exactly. Shock kar dete, earned everything. But they are not alive. अरे भाई मैंने बहुत करीब लोगों को देखा है. Forget about that. अभी कौन अंकुर भाटिया, the owner of IB, is the owner of Indigo Airlines, is no more. क्या करोगे? You've earned so much, but there's not कोई इंसान बचा ही नहीं उसको उस धन संपत्ति का. क्या उपयोग आप जिसका enjoy करने के लिए बचे ही नहीं? Why?
इसीलिए जिंदगी में कमाई हुई धन संपत्ति को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपका होना भी जरूरी है। सो ट्रू। आपका आपने बहुत कमा लिया गौरव, पर आप ही नहीं हो तो क्या फायदा? व्हाट इज द यूज? ये बहुत जिंदगी का कड़वा सच है कि आपकी जिंदगी का एक एक डेडलाइन है। हमें इतना ही देखना है डेडलाइन को कैसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। हम ये तो नहीं है, हम भगवान तो नहीं है कि डेडलाइन को रोक दे, पर हमें कुछ ऐसा करना होगा इस ड्यू डेट को हम लोग और जितना एक्सटेंड कर सके, जिंदगी के पैसों का, जिंदगी के धन दौलत मोहब्बत शौहरत का हम लोग आनंद ले सके। इसलिए दोस्तों फिर से एक बार कहना चाहेंगे, अपील एवरीबॉडी, चाहे कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करे, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। 8 एपिसोड में मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप इतने ट्रेंड हो जाओगे, आप इतना जिंदगी में आपका फिटनेस इतना आगे जाएगा। Let me tell you guys, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आनंदित महसूस कर पाओगे। जी हाँ, नज़र मैं भी देख रहा हूँ frequently आप बहुत सारे फिटनेस वीडियोस डाल रहे हैं अपने खुद के, you know many people have seen you giving lectures, keeping award shows, giving parties, but ये सब का जो cocktail है that is just because of fitness as you have mentioned। तो आप रोज फिटनेस वीडियोस डालते हो, इससे आप you know what are you trying to prove? I am just trying to prove that कि guys आपको अगर लगता हुआ कि जिंदगी में आप busy हो और मैं फोकट और मजन जा रहा हूँ कि आपकी misunderstanding है। Let me tell you guys, गौरव knows और जितने लोग मुझे करीब से जानते, मेरी family, मेरा परिवार, मेरे सारे professional colleague जानते हैं कि कितना ज़्यादा busy मैं रहता हूँ। If from my busy schedule also I am able to remove so much time for my fitness, मैं दिन के 2-2.5 घंटे तक इसमें दे रहा हूँ, तो यकीन माने दुनिया का हर कोई इंसान दे सकता है। और अगर मैं इतना बिजी होकर अगर ये सब कुछ कर रहा हूं, सो दोस्तों यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस। उसका फायदा बहुत ज्यादा हमारे पढ़ाई पर, हमारे प्रोफेशनल सक्सेस में होता है। दिस गाइस शुड अंडरस्टैंड दिस। मतलब इसका फायदा सिर्फ हमारे फिटनेस से संबंधित नहीं है, इसका फायदा इनकी पढ़ाई पर होगा। They would be able to concentrate more. Very good. बहुत बड़े पढ़ते उनका मन भटकता है, उनको लगता है नींद आ रही है, distractions, lazy, उनके दिमाग में अलग-अलग thoughts आते हैं। और even जो लोग professional बन चुके हैं, even they feel tired, mood swings. और मतलब ऐसा लगता है कि आज boring हो रहा है। अरे life में कुछ energy चाहिए boss, और ये करिया, right? बहुत मजा है। इंशाल्लाह आपको मजा आए, बहुत मजा आए। So sir, let's move to the technical part. Yes, yes. Fitness, the techniques, how to make this body an art, you know, we are an artist जो ये body को art में convert कर रहे हैं। Sir के जैसे आप देख रहे हैं, you know, you, sir if you can you know just flex, ये देख रहे हैं sir का peak, sir के delt, sir के shoulders, chest, he is working more on his core now. So sir आप इतने सालों से workout patterns follow कर रहे हैं, आपने you know initially बहुत कभी गलती करते हैं, आपने भी face की होगी, गलती की होगी कि आप ज़्यादा weight उठा रहे थे। You were into weights and weights. What do you think is an important thing in your body? सबसे important body part आपके हिसाब से कौन सा है? आपको क्या लगता है? नहीं, I think अगरो each and every body part is important. पहले मुझे लगता था legs are not important, so फिर मुझे लगता था कि this is not important. But later on जब धीरे-धीरे इंसान को जब समझता है ना, जब उसको कि नहीं every body part makes a difference. Right. और जब आप जिम करते हो ना, तो जिस तरह का आपका जो कोई नॉर्मल शर्ट भी होता है, आप लोग कहते हैं कि ब्रांडेड कपड़े पहनना, आई डोंट बिलीव दैट, ओके? मतलब आप ब्रांडेड पहनो नॉर्मल में, इट डजंट मेक एनी सेंस। बाय द वे, देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट, इजंट सर लुकिंग लाइक द रॉक, यू नो, उनको देख के फील आ रहा है बहुत ज्यादा, एंड आई एम वेरी ग्लैड आप लोग ऐसा लगन जरूर इस वीडियो में, एसपी सर आपको जरा सा इस वीडियो में मजा आ रहा है, प्लीज को लाइक करें, शेयर करें। मैं कह रहा हूं ना, हम आग लगाएंगे। हम हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बंदा बैठा था ना, किसी को सीए करे, वो फिटनेस भी है और हमारा जिंदा रहना हमारे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीए बनकर एक हमारा रहना ही हमारे घर की ताकत है, हमारे जीवन ही सबका बुनियाद। इसलिए दोस्त आप सब में से वीडियो को देखे, लाइक करें, शेयर करें, चाहे आप कोई भी आपके दोस्तों में, लेट मी एनीवन, लेट मी एनी स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड, मेक श्योर यू शेयर इट विद एवरीबॉडी, let it go viral on all the social media channel because this is going to be a rocking video. So Gaurav, yes, जैसे कि आप बात कर रहे थे, every body part is important. Yeah, yeah. I don't think कोई particular muscle is important, but आप Gaurav, you're the right person to make everybody understand कि कैसे। अभी सोचिए ना, थोड़ा सा बच्चा मान लो कि इस video के बाद में he's getting motivated या फिर वो बहुत दिनों से कर भी रहा होगा, बिल्कुल। तो कैसे उसने, how he should go forward, how should we proceed further? क्या करना चाहिए इन्होंने? First step,
आपकी बॉडी टाइप को समझिए, जैसे सर ने अपनी बॉडी टाइप को समझा, सर न्यू दैट उनका बॉडी थोड़ा बल्की है एंड यू नो ही यूज्ड टू वर्क आउट वेरी नाइसली, बट इनका इस बार गोल अलग था. सो ही जस्ट यू नो वी हैड अ कन्वर्सेशन, अ कैजुअल कन्वर्सेशन, एंड सर इज लाइक वेरी मच फ्रीक्वेंट अबाउट फिटनेस, बट ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव हिज कार्डियो पावर. ठीक है, सर वॉज फोकसिंग मोर ऑन हिज कार्डियो नाउ, बिकॉज इनको पता है स्टैमिना, बॉडी एंड्योरेंस, इम्यूनिटी जितनी बढ़ेगी उतना आप आज की जिंदगी में सर्वाइवल सस्टेन करेंगे. दैट इज बिकॉज ऑफ हाउ यू कंट्रोल योर ब्रेथ टेकिंग कैपेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. और सर ने जितनी सारी चीजें आपको बता दी है, आई नीड नॉट गिव यू एनीथिंग इन रिटर्न फॉर दैट. मेन फोकस कोई बॉडी पार्ट नहीं, सर ने जैसे बोला ही हैज अ गुड मस्कुलर बॉडी, अ बिट बल्की अब राइट नाउ, तो उन्हें अब उसको लीन करना है, दैट इज व्हाट ही इज टारगेटिंग एंड ही इज ऑलमोस्ट ऑन दैट वे राइट नाउ. तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट ये है, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट. द मोमेंट यू एंटर द जिम, ड्रॉप योर फोन द साइड एक्सेप्ट इफ यू आर टेकिंग वीडियोस, इट इज मेंट टू मोटिवेट पीपल. आप वीडियोस ले बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मगर बाकी चीजों पर ध्यान ना दे. सो आपके बॉडी पार्ट्स वीकली बेसिस पे डिवाइड होते हैं, राइट? तो हम लोग हर एपिसोड में कुछ बताएंगे, लेट्स टोटली फोकस ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स that can make your shirts, t-shirts look sexy as so chest, shoulders, that is my focus for today, sir. Okay, aaj aapka focus ye hai. Yes sir. Gaurav, thodi der pehle aapne ek sawal pucha tha ki kyon hum log aise videos Instagram pe dalte hain. Gaurav, main har samay apne har koi chhatra ko, har koi follower ko ye mehsoos karwana chahta hu is video ke madhyam se ki ye hum log bhi kar sakte hain. Ji, ye koi aisa nahi ki koi professional banda hai jo padhai kar raha hai, मतलब अब उसकी जिंदगी में इन सब चीजों का महत्व नहीं है और वो इस सब चीजें नहीं कर सकता है. इट इज नॉट लाइक दैट. आप करो, आपको ये करना ही है, क्योंकि इसके बाद में आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हाउ इट फील्स. इसका मजा और है, कभी कभी कुछ चीजों को बयान नहीं कर सकते हैं. इट हैज टू बी महसूस, यू नो, एडिक्शन हैज टू बी फेल्ट. इट्स एन एडिक्शन व्हिच विल make you go, you know, crazy at the same time energetic, sab jagah positivity sir, aur ji jo hai na wo main bolta hu workout ki wajah se. Aur main pehle let me clear, this workout is not going to only for boys, it is for girls as well. Agar aap log ramon main ladki hu aur mere liye thodi na chal raha hai bhai, ladki ho ladka ho, zindagi zindagi hoti hai, hai na? And you have to understand, main ladki hu, main chartered accountant, irrespective of gender, irrespective of whether you are student or professional, irrespective of what kind of course you are pursuing, you have to watch this because this is about your life, this is about your career, this is about something about your fitness. You must watch this and get most out of it. Yes, very true sir. Yes, let's do it. So aaiye dost, check it, बहुत करेंगे माहौल. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए करते कुछ खास. चेस्ट वर्कआउट. यस, जाने की दो, अगेन इट विल बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स, यानी कि तू वेट लिफ्टिंग, यानी आप ये वो देखते हो क्या लोग वेट लिफ्ट कर रहे हैं, चेस्ट ही हो ये पार्ट, और लोगों को लगता है बाबा कि जिंदगी में वेट लिफ्टिंग ही जिम होता है, आपको लगता है. लेट मी एडमिट दिस, इवन आई यूज्ड टू हैव द सेम फीलिंग. दिस मैन हैज चेंज्ड माय माइंडसेट. It is not only about showing power, it is about stamina, it is about endurance. Endurance शब्द का मतलब इस भाई ने समझाया मुझे. पूरा उसे ना सेंटर ऑफ द चेस्ट पे लगा रहा है, नीचे ऊपर पुश कर रहा है. When you come down, breathe in, breathe out, and flex your chest. Let's do it. Come on. Okay. Come on, boy. Come on. One. Very good. Smooth. सर के चेस्ट पे एकदम smooth. Second rep. So you know now you are pumping your muscles and these are major muscles. Now we again military press में major muscle. This bar back format में shoulder game. आपको ये military press लेना है. आप लोग देख रहे हैं कि shoulder का इतना प्यारा muscle कितने अच्छे से flex हो रहा है. Now technically correct he is. इससे आपके shoulder forwards and backward trap के साथ tone होते हैं. Make sure you are doing backward breathing. जबरदस्त.